आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा चटपटे क्रिस्पी मिक्स नमकीन। ये नमकीन बिल्कुल मार्केट जैसे बनकर तैयार होते हैं दोस्तों। ये नमकीन 2-3 महीने बाद स्टोर करके रख सकते हो, जब भी मन करे तभी चाय के साथ खा सकते हो और मेहमानों को सर्व कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाने के लिए। चलिए देखते हैं कैसे बनती है रेसिपी। मिक्सर बनाने के लिए सबसे पहले दाल को भिगाना पड़ता है, कम से कम 4-5 घंटे तक भिगाना पड़ता है। मैं तो दाल को अच्छे से धोकर 5 घंटे तक भिगा कर रख दिए थे। अब हम दाल को एक कपड़े के ऊपर डाल देंगे इस तरह सूखने के लिए। और हाँ, कॉटन कपड़े होना चाहिए। कॉटन कपड़े के ऊपर इसी तरह फैला देंगे और थोड़ी टाइम के लिए पंखे के नीचे रख देती हूँ। दाल का जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो सुखाना है, पूरी तरह दाल को नहीं सुखाना चाहिए। कप मूंगफली और 1 कप पोहे ले ली है। पोहे को अच्छे से कलर आ जाए इसलिए थोड़े से हल्दी पाउडर और थोड़े नमक मिक्स कर लिए है। मैंने 1 कप पोहा, 1 कप चना दाल, 1 कप मसूर दाल और 1 कप मूंगफली ले ली है और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी ले ली है। ये सब कुछ मैंने अभी फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले मूंगफली फ्राई कर लेंगे। अभी मैं आधी मूंगफली कढ़ाई में डाल दी है और फ्राई कर लेंगे। लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम में फ्राई कर रही हूँ। जब भी मूंगफली से चटकने की आवाज़ आती है हल्का सा कलर आ जाता है और तुरंत निकलना पड़ता है। ध्यान रखें इसे ज़्यादा भून लिया तो कड़वाहट आ जाएगी। रेसिपी बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ये रेसिपी मेरे दोनों बच्चों को पसंद है। कभी कभी तो मेरे दोनों बच्चों कंटेनर लेके बैठ जाते हैं। ये देखिए कितने सुंदर कलर आए हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी होती है। इसी तरह मैंने चना दाल को भून लेंगे। मेरे तरह आप लोग घर पर बनाकर खाइए और मेरे को कमेंट करके बताइए कैसे लगा रेसिपी। अभी मैंने चना दाल को भून लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके भून लेंगे। तेल में दाल डाल दिए है और इसी तरह चलाते रहती है। जब भी दाल भून जाएगी तभी अपने आप ऊपर आ जाएगी और टेने लगेगी। ये देखिए कितनी सुंदर कलर आया है और ऊपर से क्रिस्पी भी हो गए हैं। और इसी तरह मसूर दाल को भी भून ले ली है। ये देखिए कितनी सुंदर कलर भी आया है और ऊपर से खिचड़ी भी हो गया है। माफ़ करना, मैं ज़्यादा ही तारीफ कर ली है। मसूर दाल भूनने में थोड़ा टाइम लगता है और जब ही हो जाए तभी अपने आप ऊपर आ जाता है और टेना लगता है। पोहा भूनने से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत हो जाता है। गैस हाई फ्लेम पर रखकर पोहा भून लेना है। मैं 1 कप पोहा लेकर भून ले ली हूँ। मेरे रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट करना और नए है तो सब्सक्राइब करना। पूरा ड्राई फ्रूट भी फ्राई कर ले ली और पूरा हरी मिर्ची कट कर फ्राई कर ले ली और करी पत्ता भी फ्राई कर ले ली। करी पत्ता तो स्किप मत करना, जरूर डालना।
करी पत्ता फ्राई करके डाल दिए है। चलिए मसाला वगैरह डाल देते हैं। मैंने कि ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं डालती है, थोड़ा थोड़ा करके डालती है। एक टीस्पून चाट मसाला, एक टीस्पून ब्लैक पेपर, एक टीस्पून ब्लैक सॉल्ट और एक टीस्पून सॉल्ट, टू टीस्पून मिर्ची पाउडर। मिर्ची कम ज़्यादा कर सकती हूँ मैं तो, मेरे हिसाब से डाला है। आप लोग जितनी तीखा खाते हो इतनी ही डालो। मैं अभी भुजिया डाल दिए हूँ, भुजिया मिक्स कर रही हूँ। चलिए मिक्स कर लेती हूँ। ये रेसिपी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत आसानी से बन जाता है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रहा है, बाजार जैसे ही लग रहा है। आप लोगों ने ये रेसिपी बनाकर चाय के साथ ले सकते हो, मेहमानों को सर्व कर सकते हो। मैं तो ये सब बनाकर एयरबॉक्स में रख देती हूँ।